नमस्कार, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं हम लोग खतौनी के लिए जमीन का सही माप निकालना सीखेंगे। सवाल किया गया था कैसे निकालेंगे। ये जो है ये देख लीजिए चतुर्भुज है, अनियमित कार यानी कि भुजा अलग अलग है। ये 70 मीटर है, ये 40 मीटर, ये 60 मीटर टेप से मापे हैं, इसको 50 मीटर। और इसको देख लीजिए, ये जो त्रिभुज है 20 फीट, 21 फीट और ये 22 फीट। ये जो है हेरोन्स फार्मूला से पिछला वीडियो 15 मिनट का है, उसे देख लीजिएगा। हेरोन्स फार्मूला को डिटेल से समझाया गया है और इसी के आधार पर हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी निकालेंगे तो सही 100% 110% सही निकलता है। यहाँ से यहाँ तक आप इसको खंड कर लीजिए, माप लीजिए पूरा, ये कोना मिलान कर लीजिए इस तरह से। ये देखिए इसको यानी कि माप लीजिए टेप से यहाँ तक सीधा माप लीजिए। ये 56 मीटर मान के चलिए मापे हैं, ये 56 मीटर। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल सही 100% निकालने के लिए तीनों भुजा का लंबाई को जोड़ दीजिए इस तरह से, 70 + 40 + 56 बराबर होगा 166/2। 2 से भाग कर दीजिए, बराबर होगा 83। जानते हैं हेरोन्स फार्मूला में बताया गया है 83 हुआ 2। इन तीनों भुजा को जोड़ करके 2 से भाग कर दीजिए और अंडर रूट में लिख लीजिए 83 को। इसके बाद 83 में से 40 घटाने पर 43 होगा। अब ए भुजा, बी भुजा, सी भुजा को 83 में से घटा करके गुणा कर दीजिए। ये देखिए ठीक, और 56 घटाएंगे 83 में से तो कितना होगा, घटा लीजिए 27 और 83 में से 70 घटाएंगे 13, इस तरह से 13 होगा। अब इसको गुणा कीजिए, 83 × 43 × 27 × 13 तो बराबर होगा अंडर रूट, गुणा कर लीजिए ये 12,52,719। ये 12,52,719 होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,00,000। अब इसका अंडर रूट निकाल लीजिए कैलकुलेटर से तो बराबर होता है, क्षेत्रफल निकल आएगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1119 दशमलव के बाद पूरा डिजिट लिखिए, 2493 2493 01987 1987। इतना वर्ग फीट हुआ, वर्ग मीटर हुआ। और सेकेंड त्रिभुज का निकाल लीजिए, इसका भी इसी तरह निकाल लीजिए। ये हेरोन्स फार्मूला के द्वारा बिना लिखे हम लोग इस तरह से डायरेक्ट निकाल रहे हैं। और इसका निकालिए, 56, 60, 50 को जोड़ दीजिए, 60 × 56 × 50 बराबर 166 भी होता है, / 2 बराबर 83। इसका भी 83 बराबर होगा, अंडर रूट में ले लीजिए, अंडर रूट में ले लीजिए 83 और गुणा कर दीजिए 83 में से। ये 60 घटाने पर 23 होगा, 23 और 83 में से 50 घटाइए 33 होगा, 33 और 83 में से 56 घटाने पर ये 27 होता है, 27 इस प्रकार से। अब इसको 83 × 23 × 33 × 27 कर दीजिए, बराबर होगा अंडर रूट, ये देख लीजिए अंडर रूट में बराबर 17 लाख
17,919,919 होगा। अब इसका अंडर रूट निकालिए कैलकुलेट से, बराबर होगा 1,104.53,8,5383,8372 वर्ग मीटर स्क्वायर मीटर इतना हुआ। अब इसे इसमें जोड़ दीजिए तो पूरा ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल आता है। देख लीजिए 1,304.19,8,5383,8,372 ये देखिए जोड़ दीजिए। इसको जोड़ने पर 2,423.4421,55 शुद्ध निकालना है। पूरा डिजिट को लिखिए 8249 इतना होता है। अब इसको रकबा निकालने के लिए, हेक्टेयर में रकबा निकालने के लिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 से भाग कर दीजिए तो बराबर रकबा निकल आता है इसका 0.242344 हेक्टेयर। ये 4-5 डिजिट लीजिए, इतना दशमलव के बाद और भी है। इस तरह से इक्वल 100% शुद्ध निकलता है। और देख लीजिए, इसे देख लीजिए, इसे तो हम लोग पिछला वीडियो में देख चुके हैं, इसी को देख लीजिए। एवरेज में यदि निकालना चाहेंगे 70/60, 40/50 करके इस तरह निकालेंगे तो कैसा होता है देख लीजिए। 70/60 बराबर होगा, ये दो से इसको डायरेक्ट जोड़ करके भाग कर दीजिए तो 65 निकलता है, इसको जोड़ के दो से भाग। और ये 40/50 बटे दो बराबर 45 होगा। इस तरह से अब 65 गुड़े 45 कर दीजिए गुड़ा 2,925 वर्ग मीटर, 2,925 वर्ग मीटर निकलता है। हेक्टेयर में निकालने के लिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 बराबर 0.2925 हेक्टेयर होगा। इतना हेक्टेयर निकल आता है। इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं। और देखिए इसमें त्रुटि है, इसके इसको देखिए और इसको देखिए तो डिफरेंस है। यदि डिफरेंस आता है एवरेज निकालने में, एवरेज निकालना गलत नहीं होता है, फील्ड में इसका उपयोग बहुत होता है, तो आप यहाँ से माप लीजिए, यहाँ से माप लीजिए, यहाँ से माप कई बार माप लीजिए और इसके बराबर लगभग आपका निकल आएगा। इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं। अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।